बात करेंगे झारखंड के साहेबगंज की, जहां धनंजय मिश्रा का शव गड्ढे से खोद कर निकाला गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आप देख रहे हैं R9 भारत पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई का शव महादेवगंज अम्बाडीह के तलहटी से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। रात 12 बजे गड्ढा खोद कर शव बरामद किया गया है। वहीं मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के गांधीनगर से धनंजय मिश्रा 3 मार्च को लापता हो गए थे, जिसकी 4 मार्च को धनंजय मिश्रा की पत्नी दीपिका ने लापता होने की शनाख्त दर्ज कराई थी। इस हत्या पर पंकज मिश्रा ने बताया कि अब साहेबगंज अपराध मुक्त होगा या जितने भी अपराधी हैं वह शहर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो वह भुगतने को तैयार रहे, उनके तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। आखिर इस तरीके के बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, यह देखना भविष्य में तय किया जाएगा। इस हत्या पर पंकज मिश्रा ने बताया कि अब साहेबगंज अपराध मुक्त करने के लिए प्रशासन हो या फिर आला अधिकारी, सभी की जिम्मेदारी देखी जाएगी। वहीं शव मिलने पर पूरा परिवार सदमे में है एवं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता सहेंद्र प्रसाद के साथ। धनंजय मिश्रा मेरा साला है, वो 4 तारीख को डेली मतलब सुबह जाते थे मिर्जा चौकी, वो जमीन है उनका बॉन्डी कराने, और शाम में आते ठीक है, तो 4 तारीख को गए और आए नहीं, तो 5 हम लोग 4 को रात में आए नहीं, तो 5 को हम लोग थोड़ा घूम खोजने शुरू किए, नहीं पता चला तो हम लोग FIR दर्ज कराए। ठीक, इसके बाद हमें कल कहाँ FIR दर्ज कराए, मिल जाएगा। ठीक, कल डेड बॉडी मिला, उसमें पहचान आया, वो हमारे साथ आप पहचान किए, क्या करते थे वो? हाँ, ऐसे कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे, बट अपने पापा का वो खेतीबाड़ी नहीं, खेती बाड़ी तो इनका वहाँ पे 12-8 में, लेकिन रहते यहीं गिरवा वाड़ी में थे। अभी अपने घर में बच्चे जो देखते थे, पापा उनका सब कुछ करते थे, वो भी डेथ। चचेरा भाई के साथ हुआ है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि अभी साहेबगंज जिला को अपराध मुक्त हमको बनाना है। अपराधी के लिए कोई भी जगह नहीं है, या तो इस जिला को, इस राज को छोड़कर चले जाए, या पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सब पर एकदम किसी को भी पनाह नहीं दे रहे। इतनी बड़ी दुस्साहस करने की अगर किसी ने हिमाकत की है, इसकी अंजाम परिणाम बहुत बुरा होगा। किस प्रकार का ये हत्या मानते हैं, किस प्रकार से मतलब किस कारण से हुआ होगा ये हत्या, क्या व्यवसाय था धनंजय का? धनंजय जी का कोई व्यवसाय नहीं था, ना ही उनसे किसी की मतभेद थी जी। आप ये अपराधी पकड़ाएंगे तो वो बताएंगे कि किस समर्थ में कैसे हत्या किए जी, किसके दुश्मनी से क्यों क्यों किए, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जल्द ही प्रशासन ये प्रशासन की अब तक की क्या भूमिका है? प्रशासन एकदम सक्रिय है, प्रशासन पूरी मुस्तैद है, और आपको बहुत जल्द ही परिणाम सभी सामने दिखाई पड़ जाएगा। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद, साहेबगंज झारखंड। बालोमा से खबर, जहां थाना क्षेत्र के मगध कोल माइंस के फेज 3 चमातू माइंस से कोयला लादा 2 ट्रक और 1 लोडर को जब्त किया गया। जब तक गाड़ी CCL पदाधिकारी एवं बालोमा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर किया, और वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए बालोमा थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर 2 ट्रक और 1 लोडर पकड़े गए हैं। पकड़े गए ट्रक में अवैध कोयला लोड है, जो कि मगध कोलावरी में अवैध तरीके से माइंस में प्रवेश कर लोडर के सहयोग से ट्रक में कोयला लोड कर निकल रहा था। उसी दौरान फेशियल के पदाधिकारी और पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए CCL द्वारा गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर बालूमाथ थाने में विभिन्न अवैध तस्करी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उक्त गाड़ी के मालिक एवं ड्राइवर का नाम पता करने में जुटी हुई है, और गाड़ी अमरवाड़ी पिकेट में लगा दी गई है। मालिक एवं ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिस केस की संख्या 50/21 बताई जा रही है। R9 भारत के लिए प्रफुल्ल पांडे, बालूमाथ झारखंड। बात करेंगे कानू समाज की, जहां लोगों ने बैठक कर सरकार से ST का दर्जा प्राप्त करने की मांग करी है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के भगैया पंचायत के गोट खिलवा बगीचा के पास कानू महासंघ समाज की 14 तारीख को मीटिंग देखी गई, जिसमें बालूमाथ लातेहार एवं चतरा के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित हुए। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु मोहन कुमार साहब, उपाध्यक्ष बंधन साहब, मुखलाल साहब, जतन साहब, राजू साहब, महामंत्री प्रमोद कुमार साहब, संजय कुमार साहू, मंत्री प्रयाग साहब एवं विश्वेश्वर साहब,
कोषाध्यक्ष देवलाल साय एवं 25 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि कानू समाज के लाचार लोग, अत्यंत पिछड़े लोगों को शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु वह सब एक सूत्र में बंध रहे हैं। सब आजाद भारत में अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिसमें अभी तक उनके कानू जाति के प्रखंड स्तर पर जिला स्तर तक अभी तक सरकार को भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेना भी चाहिए। वह सब कानू जाति कहकर ओबीसी 2 तथा जनरल के तहत पिसते रहते हैं। अब सरकार से मांग करी गई है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक में है, वह सब कानू समाज के जाति को देखते हुए एसटी में शामिल करें। बैठक में सैकड़ों कानू जाति के लोग उपस्थित रहे। बंधन साहु नाम हुआ। किस पद पर हैं आप? हम उपाध्यक्ष के पद पर है, जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी समिति बना हुआ है। किस समाज का? कानू समाज का जी। आज बैठने का मेन मकसद क्या था? बैठने का मकसद यही है कि हमारा जो कानू समाज है वो कांदू कांदू बोलता है, लेकिन कांदू नहीं है, वो सरकार के सूची में एक कानू जाति के नाम से जाना जाता है। और सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि कानू जाति जो मेरा है, कानू समाज है, उसको जो पिछड़ा जाति है, जिसको जो है सो आज आरक्षण के क्षेत्र में वंचित रखे हैं, तो उनको जो है सो सम्मान या ब्लॉक स्तर में हो या जिला स्तर में, राज्य स्तर में, हर जगह जो है सो कानू जाति को, कानू समाज को सम्मान देने का काम करे, यही सरकार से मांग भी होगा मेरा। आपका नाम क्या हुआ? मुखलाल साहब। किस पद पे हैं आप? हम उपाध्यक्ष हैं। आपका कहना क्या है? मेरा कहना है कि हम लोग जो है कानू समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इस निमित्त 11 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक है रांची में, और इसके संदर्भ में हम लोग जिला स्तरीय आज समिति गठन करके और कानू समाज को एक सूत्र में बांध करके और उस 11 अप्रैल का बैठक को सफल बनाने के लिए हम लोग इस निमित्त आज बैठे हैं। बैठे सरकार से कुछ मांग है आप लोगों का? सरकार से मांग यही है कि हम लोग अति पिछड़ा में मैंने पिछड़े हुए हैं, मेरा कानू समाज बहुत पिछड़ा है, जो कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए एसटी में, जो कि ओबीसी में भी रखा है, इसी को मांग करना है। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा कानू समाज जिला स्तरीय टीम एक घोषणा हुआ है, जो जिसमें तोकिया, मुरपा, नवादा, सरदम, ताड़केरी, जिपुआ, कोलपटिया, भगिया, बालूमाथ के सभी समस्त कानू समाज से आए हुए वरिष्ठ गार्जियन हम लोग के एक निर्णय लिए हैं कि एक अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं और हमारा समाज के लोग आज तक नहीं जान पाता है कि हम कानू समाज कांदू के रूप में सिर्फ लोग जानते हैं और कानू है इसके बारे में नहीं जानते। हमारा शिक्षा का दृष्टिकोण से हमारे बहुत पीछे हैं और सरकारी लाभ हमें कहीं नहीं मिलता। इसका आज जो है सो क्या क्या चीज़ का विस्तार किए? आज हमारा एक पुनर्गठन, अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 2 मंत्री, 25 निगरानी सदस्य। आप किस पद पर हैं? मैं महामंत्री पद पे हूँ। ठीक। क्या हुआ? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। मोहन कुमार साहब, मैं कांदू समाज के ओर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और अपना कार्यभार बहुत अच्छा तरीका से निभाने का प्रयास करूंगा कि मेरे कांदू समाज बहुत पिछड़े जाति में आ रहे हैं, कुछ काम ऐसा भी नहीं हो पा रहा है इन लोग से, इसलिए हम लोग बैठक रख के अपना कांदू समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के बैठक में कितने गांव के लोग कांदू समाज? हमारे आज के बैठक में थे 4-5 गांव के हैं, कोकिया, मुरपा, जिपुआ, मनसिंगा, नवादा, सरदम टोला, ये सभी जगह के। इस समाज को सरकार से क्या अपेक्षा है आपका इस समाज के बारे में?
ये समाज से हमारा अपेक्षा है सरकार से कि कांदू के नाम से कुछ भी राज्य सरकार के पास प्रूफ नहीं प्राप्त होती है हम लोग को, तो उस चीज़ को लेकर हम लोग राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा 11 अप्रैल को, उसमें बात करना चाहता हूँ हम लोग कि एसटी में लेकर हम लोग को ये करे। 11 अप्रैल को कहाँ महासम्मेलन? रातू रोड, रातू पार्क रांची में है, वहाँ पर आमंत्रित है। R9 भारत के लिए प्रफुल्ल पांडे, बालूमाथ, झारखंड।